ओके क्लास नाइन्थ में नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट ओके जिसको आप बोल सकते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ओके न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस तरीके से की गई थी आज आपको पता है न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये बात को आपको पता है प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस इज सॉरी न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन ओके तो देखिए सबसे पहले तो आपने सुना होगा रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल लेके एक्सपेरिमेंट किया तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया पहले पिक्चर बनाई अपने दिमाग में गोल्ड का एक पतला सा फॉइल लिया गोल्ड शीट लिया आप कह सकते हैं और उस पर बॉम्बार्डिंग कराई किसकी अल्फा पार्टिकल्स किसकी बॉम्बार्डिंग कराई बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ओके उसको हाई वेलोसिटी से ऐसे फेंका तो बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं गोल्ड फॉइल क्यों लिया तो सुनिए गोल्ड एक बहुत अच्छा मेटल है मैलिएबल मेटल है गोल्ड एक बहुत अच्छा मैलिएबल व्हाट इज मैलिएबिलिटी याद है आपको इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स गोल्ड इतना अच्छा मैलिएबल मेटल है कि उसकी बहुत पतली सी ऐसी शीट बनाई जा सकती है उसकी हैमरिंग करके ओके उसकी हैमरिंग करके उसकी बहुत पतली सी इतनी पतली शीट बनाई जा सकती है कि ये आप समझिए ये जो गोल्ड की थिकनेस है ये जानबूझ के मैं आपको इतना मोटा दिखा रहा इतना मोटा थोड़ी ना होता होगा ये कागज से भी पतला इससे भी इसकी थिकनेस कम पर मैं दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इमेजिन करें इतनी पतली इसकी शीट बनाई जा सकती है कि ये जो इसकी थिकनेस है इसमें केवल 1000 एटम आते हैं आप इमेजिन कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 करके अगर आप केवल क्या लगा दें 1000 एटम्स ऐसे लाइन से तो वो 1000 एटम ही थिकनेस में आते हैं इतना अच्छा मैलिएबल बात समझ रहे हैं आपने हैमरिंग करी किसी मेटल की अगर पतली शीट नहीं बनी तो उसकी थिकनेस में एटम की संख्या क्या हो जाएगी ज्यादा 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसा हो सकती है और अगर आप किसी मटेरियल से बॉम्बार्डिंग कराएंगे तो 2 करोड़ 3 करोड़ को पार करने में मुश्किल होगी एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा ठीक है ना अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट कर सकते हैं लेकिन थिन शीट्स को करेंगे ना ऐसा नहीं आपने बहुत मोटी शीट ली बात समझ गई दूसरे मेटल्स को लेते थे तो क्या प्रॉब्लम आती थी वो मैलेबल तो होते थे लेकिन इतने अच्छे मैलेबल नहीं होते थे जितने अच्छा गोल्ड ओके तो मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स ओके तो उन्होंने क्या किया एक बहुत पतला गोल्ड फॉइल लिया देखिए मैंने यहाँ लिखा है रदरफोर्ड यूज गोल्ड फॉर हिज स्पटरिंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज गोल्ड इज द मोस्ट मैलेबल मेटल एंड ही वांटेड द थिनेस्ट लेयर एज पॉसिबल द गोल्ड शीट यूज वॉज अराउंड 1000 एटम्स थिक ओके हाँ भाई तो देखिए इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया उस पे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करी अल्फा पार्टिकल क्या होता था हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए थे उसका चार्ज 2 यूनिट होता था प्लस का और उसका मास होता था 4 यूनिट ओके देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आई ये अल्फा पार्टिकल ऐसे फेंके गए ये जो बड़े बड़े मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या है गोल्ड के एटम्स ये क्या है गोल्ड के एटम्स और ये प्लस प्लस जो दिखाया मैंने ये क्या है अल्फा पार्टिकल ऐसे करके जा रहे हैं तो नंबर वन उन्होंने क्या देखा सुनिए नंबर वन उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गॉन स्ट्रेट बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम तो होता होगा लेकिन एटम में बहुत सारा पार्ट क्या है खाली फिर से ध्यान दें एटम है लेकिन एटम में मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है एम्प्टी ठीक है सुनिए सम अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड बाय पहला पॉइंट समझ में आया ऐसा बॉम्बार्डिंग करी उन्होंने और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल कैसे निकल गए स्ट्रेट लाइन में इससे क्या साबित होता है बताइए ये एटम है ये उसका क्या है न्यूक्लियस अभी आपको आगे चलकर पता चलेगा अभी बेटा पिक्चर याद करने के लिए एक पिक्चर बनाइए दिमाग में ये न्यूक्लियस है ये वाला स्पेस कैसा है एम्प्टी ये देखिए ये अल्फा पार्टिकल भी सीधे निकल गया ये अल्फा पार्टिकल भी ऐसे सीधे निकल गया ये अल्फा तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे क्यों निकल जा रहे थे व्हाट वाज द रीजन आंसर इज मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एम्प्टी इन द एटम मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एम्प्टी इन द एटम आप इस तरीके से समझिए देखिए ये डेंस न्यूक्लियस होता है बीच में ठीक है और ये पूरा जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये कैसा पार्ट है एम्प्टी पार्ट
आप इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया था क्रिकेट बॉल ग्राउंड के बीच में रखी है, वो क्या है न्यूक्लियस, और पूरा ग्राउंड क्या है एटम। तो एटम में ज्यादा पार्ट क्या था, खाली था। ये पहला कंक्लूजन निकला। दूसरा उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल तो स्मॉल डिफ्लेक्शन कर देंगे। स्मॉल डिफ्लेक्शन करा सकते हैं आप? देखिए स्मॉल डिफ्लेक्शन और लार्ज डिफ्लेक्शन में अंतर पहले समझिए। देखिए ये अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा था, इसको जाना कैसे चाहिए था, स्ट्रेट, कितना घूम गया, ए बस इतना, ये स्मॉल डिफ्लेक्शन है। लार्ज डिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये वाला देखिए, ये ऐसे करके आ रहा था, ये जाना सीधे चाहिए था, ये ज्यादा घूम गया। आप और घुमा के भी दिखा सकते हैं ऐसे। तो कुछ पार्टिकल्स में ही, ध्यान दें प्लीज, कुछ पार्टिकल्स में ही स्मॉल डिफ्लेक्शन, सॉरी कुछ पार्टिकल में तो स्मॉल डिफ्लेक्शन हुए, लेकिन बहुत कम पार्टिकल में, ध्यान दें प्लीज, बहुत कम पार्टिकल में लार्ज डिफ्लेक्शन हुए। ध्यान से जरा शब्दों को सुनिएगा। सबसे ज्यादा क्या हुआ, बहुत सारे पार्टिकल कैसे निकल गए, स्ट्रेट, क्योंकि एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा था, एम्प्टी। बहुत कम मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में लार्ज डिफ्लेक्शन हुआ। क्या मैंने बोला, बहुत कम क्वांटिटी में लार्ज डिफ्लेक्शन हुआ, और कहीं ना कहीं थाउजेंड्स ऑफ अल्फा पार्टिकल में एक पार्टिकल रिबाउंड हो जाता था। रिबाउंड मतलब समझ रहे हैं, ये ऐसा गया और जस्ट उसी पाथ पे ऐसा वापस आ गया। ठीक है, फिर से बताइए ज्यादा घटना कौन सी घटी थी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे, ओके। फिर स्मॉल डिफ्लेक्शन भी देखे गए, लेकिन लार्ज डिफ्लेक्शन बहुत कम थे और रिबाउंडिंग तो बिल्कुल नहीं थी। रिबाउंडिंग तो इस तरीके से थी कि थाउजेंड अल्फा पार्टिकल अगर जा रहे हैं तो उसमें से केवल एक रिबाउंड करता था। इन बातों से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल डिफ्लेक्शन। ठीक है, स्मॉल डिफ्लेक्शन उन्होंने इस तरीके से समझाया कि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट यहाँ आसपास रहता होगा। ठीक है, उसकी वजह से जब पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल ऐसा आता है, इसके आसपास से जब गुजरता है, तो ये उसको क्या करता होगा, धक्का मारता होगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऐसे चेंज। समझ में आई बात? लार्ज डिफ्लेक्शन को उन्होंने, लार्ज डिफ्लेक्शन बहुत कम होते थे ना, या रिबाउंडिंग बहुत कम होती थी, तो उन्होंने लार्ज डिफ्लेक्शन या रिबाउंडिंग को इस तरीके से समझा। उसको केवल चार्ज से नहीं समझा उन्होंने, नो, उसको चार्ज प्लस इस बात से समझाया, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ एक सेंटर होता होगा जो कि बहुत डेंस है। फिर से ध्यान दें, यहाँ एक सेंटर होता होगा जो कि बहुत डेंस है। ठीक है, तो जो एग्जैक्टली रिबाउंड हो रहे थे, उसके लिए केवल पॉजिटिव चार्ज का शब्द यूज नहीं किया उन्होंने। उन्होंने केवल पॉजिटिव चार्ज से किसको समझाया, जो स्मॉल डिफ्लेक्शन होते थे, बिल्कुल जो रिबाउंड हो जाते थे। आप ही सोचिए ना, कब संभव है वो, बिल्कुल जो कब पॉसिबल है कि बिल्कुल रिबाउंड हो जाए वो, बताइए, जब जब वो एग्जैक्टली जाके उस पॉइंट पे हिट करता हो जहां बहुत डेंस पार्ट होता हो पॉजिटिव। बात समझ में आई? तो उन्होंने बोला कि ये जो भाई एटम के बीच में कुछ ऐसा पार्ट होता है जो कि बहुत क्या है, डेंस है और पॉजिटिवली चार्ज, उसका साइज क्या है, बहुत छोटा। अगर वो साइज, आप खुद ही सोचिए ना, अगर ये पॉजिटिव वाला पार्ट ऐसा थोड़ा बड़ा होता तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते। ज्यादा तो नहीं हो रहा आपके सामने, मोस्ट ऑफ द गो स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट। समझ में आई? ठीक है, तो ये बात है। फिर से एक बार, जो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल जा रहे थे वो क्या बताते थे, एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है। नंबर टू, कुछ तो कम मात्रा में डिफ्लेक्ट होते थे, कम एंगल में डिफ्लेक्ट होते थे, उनको उन्होंने इस तरीके से समझाया कि हाँ भाई एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता होगा कहीं पर, ओके, जो कि इस अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर देता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में जो रिबाउंडिंग होती थी, इसको उन्होंने केवल चार्ज से नहीं समझाया, इसको उन्होंने बताया कि भाई चार्ज तो है ही, लेकिन वो चार्ज बहुत ही डेंस पार्ट में, बहुत छोटे से पार्ट में वो चार्ज है, और उस छोटे से पार्ट को क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस, ओके। आप खुद ही मुझे बताइए, अगर ये छोटा सा पार्ट जिसको आप न्यूक्लियस बोल रहे हैं, और आज तो आपको जानकारी भी जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ये बात है, अगर भाई ये बड़ा होता
तो बताइए 1000 में 1 रिबाउंड होता है, बहुत सारे रिबाउंड होते, बहुत सारे डिफ्लेक्ट होते लार्ज एंगल्स पे, नहीं होते, बात समझ में आई? अच्छा तो तो इसमें देखिए क्या क्या देखा है इन्होंने, नोट कर लेते हैं अभी, अगर बातें आपको समझ में आ गई हो तो। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास, नोट करिए, मोस्ट ऑफ द, मैं अल्फा पार्टिकल को ऐसे लिख रहा हूं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर अलाउड, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द, पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ओके, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता था, ठीक है, वो अपने ओरिजिनल पाथ पे सीधे निकल जाते थे, ठीक है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इसमें, कहाँ पर गोल्ड होगा ना, GOLD, ओके। पॉइंट नंबर टू, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, थ्रू स्मॉल एंगल्स एंड फ्यू आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स एंड फ्यू आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स ओके। नंबर थर्ड, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली रिबाउंड ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल, है ना, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कंप्लीटली रिबाउंड ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल, ओके। और वापस कौन से पाथ पे लौट जाते थे, उसी पाथ पे जिस पाथ से वो आए, ओके। अब देखिए आपको इससे कौन कौन सी बातें पता चली, सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, कौन कौन सी आपको इससे बातें पता चली वो मैं आपको यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ये मैं रख कर दूं फर्स्ट पॉइंट। हाँ देखिए सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो सब मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, समझा लोगे आप किस तरीके से, जो रिबाउंड होता था उसको कैसे समझाएंगे, केवल चार्ट से नहीं समझाएंगे, बोलेंगे डेंस पार्ट है, डेंस पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा डेंस है, ओके, उसका साइज क्या है बहुत छोटा है एटम के कंपैरिजन में, इससे कंपेयर कराओगे क्रिकेट बॉल और ग्राउंड से, ओके। तो सब इंफॉर्मेशन कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिली आपको रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, नंबर वन ये किसको बताता है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन एटम को, एक्सपेरिमेंट, ओके, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम, ये कंफर्म हो गया, ओके और क्या कंफर्म हो गया बताइए, न्यूक्लियस का चार्ज कैसा हुआ कंफर्म, पॉजिटिव की नेगेटिव,
पॉजिटिव, नेगेटिव हुआ। हाँ, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव थे तभी तो उसको डिफ्लेक्ट करता था ना, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। थर्ड, हाँ भाई, न्यूक्लियस कैसा है, बहुत डेंस और हार्ड। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड। ओके, नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ओके, ये बातें आपको समझ में आई। अच्छा, इसके बाद अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस आपने देख ही लिया, इसमें मैं अब कुछ लिखवाता नहीं हूं। न्यूक्लियस की अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो क्या बोलोगे, न्यूक्लियस इज अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ द एटम। ओके, चलिए न्यूक्लियस के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। न्यूक्लियस के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर वन, द न्यूक्लियस इज अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। द न्यूक्लियस इज अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द एटम। न्यूक्लियस के अंदर में आएंगे पॉइंट्स। पॉइंट नंबर टू, ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम। हाँ भाई, पूरा मास एटम का कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ओके, इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और बताइए न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, इनको कंबाइन करके हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस का थर्ड पॉइंट देखिए, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर आर नोन एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम। Protons and neutrons taken together are known as जरा इसको याद कर ले प्लीज। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियॉन्स। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में लेके, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे एग्जाम्पल के तौर पे हीलियम ले लीजिए। हीलियम के न्यूक्लियस, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टू। कितने प्रोटॉन होते हैं, टू। और न्यूट्रॉन में कितने होते हैं, टू। तो अगर मैं आपसे पूछूं न्यूक्लियॉन्स कितने, न्यूक्लियॉन्स कितने, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बताओगे आप मुझे, क्या बताएंगे बताइए। टू प्रोटॉन प्लस टू न्यूट्रॉन टोटल कितना हो गया, फोर। तो आप मेरे को बोलोगे फोर न्यूक्लियॉन्स है। जैसे ही न्यूक्लियॉन्स शब्द का यूज आए, आप तुरंत समझ जाइए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को काउंट किया गया।
ठीक है, न्यूक्लियॉन्स क्यों बोला जाता है इन्हें? तो आंसर है, न्यूक्लियॉन का मीनिंग होता है, न्यूक्लियॉन शब्द का मीनिंग होता है सेंटर में रहना। क्या मीनिंग होता है इसका? सेंटर में रहना। ओके, तो जो सेंटर में रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। तो कौन सेंटर में रहते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे आर टेकन टुगेदर एंड कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। ओके, और सॉरी न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिए। देखिए, एटम को आप एज अ स्फीयर मान सकते हैं, ऐसा एटम को क्या मान सकते हैं? एज अ स्फीयर, ऐसा बॉल जैसा। ओके, मान लिया आपने, इमेजिन करिए उस बॉल के सेंटर में बहुत छोटी सी बॉल है, बहुत छोटी सी बॉल है, ठीक है। या आप इस तरीके से इमेजिन करिए, क्या इमेजिन कर सकते हैं? आपकी कॉलोनी जितनी बड़ी है उतना बड़ा एक बॉल मानिए, बड़ा सा स्फीयर एक मान लीजिए, मान लिया उसके सेंटर पे एक बॉल ले जाके रख दीजिए, क्रिकेट बॉल। वो जो क्रिकेट बॉल छोटा सा रखा है वो क्या है? न्यूक्लियस है। तो बताइए मुझे, न्यूक्लियस का वॉल्यूम ज्यादा है या एटम का वॉल्यूम ज्यादा है? हाँ, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम एटम के वॉल्यूम में बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो इसको भी नोट कर लीजिए, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल। न्यूक्लियस, सॉरी ऐसे शॉर्ट में लिख लेते हैं, आपको याद रहेगा। वॉल्यूम ऑफ, वी का मतलब आप पूरा लिख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी लेस देन, लेस देन मैंने दो बार लगाया है, लेस देन मैंने दो बार लगाया का मतलब क्या? वेरी वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ एटम। ओके, नोट कर लीजिए। अच्छा, अब सुनिए कुछ बातें आपको इसमें समझनी है। रदर ये रदरफोर्ड ने जो अपना न्यूक्लियर मॉडल ये दिया था, ठीक है, ये उस टाइम दिया था 1911 में, कब दिया था नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियर मॉडल दिया था 1911 में रदरफोर्ड ने, तो उस टाइम 1911 तक केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज की गई थी, न्यूट्रॉन की खोज नहीं करी। भाई ये तो न्यूक्लियस के बारे में बता रहे हैं आपको, और मैंने बोला कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि आज हमें पता है। लेकिन 1911 तक जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज की गई थी, न्यूट्रॉन की खोज नहीं करी गई थी। ओके, उसके बाद और आपने देखा न्यूट्रॉन के खोजे जाने का समय क्या था? 1932 चैडविक ने खोजा था, ठीक है। तो 1911 में एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने किया, अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, सेंटर में कोई डेंस पॉजिटिवली चार्ज रहता है जिसको मैं न्यूक्लियस नाम देता हूँ, ये सारी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज है, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन रहता है, ये मैंने लिखवा तो दिया, लेकिन उस टाइम तक नहीं पता था, क्योंकि 1911 के बाद 1932 में आपको कल मैंने बताया था चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो भी आपके सिलेबस में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। तो रदरफोर्ड की बात को ध्यान में रखते हुए 1911 की चैडविक ने जब न्यूट्रॉन की खोज की गई, तो रदरफोर्ड के मॉडल को फिर से पेश किया गया सामने। रदरफोर्ड का मॉडल उस टाइम एक मॉडल दिया गया, ठीक है, वो मॉडल अब हम देखने जा रहे हैं कि उसमें कौन कौन सी बातें बोली गई थी। फिर से ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये क्या बताता है? रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। फिर से ध्यान दें प्लीज, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये क्या बताता है? रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। केवल न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन दे पा रहे थे वो। उसके बाद 1911 में हुआ ये, 1932 में कौन आया? चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज की गई तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल दिया गया, ध्यान दें। तो अब हम, क्योंकि भाई जब पूरी तरीके से पता चल गया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, तो दिया जा सकता है एटम का पूरा स्ट्रक्चर। तो देखिए रदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर अब हम करने जा रहे हैं, कौन कौन सी बातें रदरफोर्ड के एटॉमिक स्ट्रक्चर में कही गई। फिर से आप मुझे बता सकते हैं क्या पहले क्या हुआ था 1911 में? न्यूक्लियर मॉडल, न्यूट्रॉन की खोज बाद में हुई, तब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया जो हम करने जा रहे हैं। ओके, तो इसको भी हम देखते हैं। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखिए, इसमें कौन कौन सी बातें बताई गई थी। नंबर फिफ्थ पॉइंट तो आप पहले ही समझ चुके हैं, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नंबर वन पॉइंट, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज
डेंस वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, को दिक्कत है बताइए? ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ये भी मैं बता चुका हूँ। नंबर टू, ये क्या पढ़ लो आप, रदरफोर्ड मॉडल का, जब चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर ली थी तो जब नया मॉडल आया था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, उसके बारे में। जी हाँ, ओके, रदरफोर्ड ने ही दिया था। उसके बाद पॉइंट नंबर टू देखिए, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। रदरफोर्ड ने और स्पेशल बात बताई, देखिए क्या बताया, बोला कि न्यूक्लियस जो होता है वो चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से घिरा रहता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किसमें चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर पाथ में। याद रखिए ये जो बताया रदरफोर्ड ने, क्या बताया, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स, कैसे, एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है। लेकिन क्या ये बात सच है, तो आंसर है नहीं। आप मॉडर्न केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो समथिंग इज कॉल्ड ऑर्बिटल फिनोमेना, मॉडर्न केमिस्ट्री में चीजें चेंज हो जाती हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसको आप सच मत मानिए अभी आपके लेवल पे, या तो आप मान के चलिए इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल वगैरह जैसे भी वो हैंडल करिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं एटम के चारों तरफ, ठीक है ना। पर जो रदरफोर्ड ने बताया, आप हिस्ट्री पढ़ने अभी से लेके 11th क्लास तक जब आप पढ़ेंगे तब क्लियर होगा, ओके। तो अभी ये हिस्ट्री है, और जो बातें बताई जा रही है उसे ध्यान रखिए। क्या बोला है उन्होंने रदरफोर्ड ने, कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में हाई स्पीड से रिवॉल्व होते हैं, ओके। इन सर्कुलर पाथ्स को क्या नाम दिया उन्होंने, ऑर्बिट्स, ध्यान दें प्लीज, इन सर्कुलर पाथ को क्या नाम दिया उन्होंने, ऑर्बिट्स, ठीक है। उसके बाद सुनिए क्या बोला रदरफोर्ड ने, बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसा चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, और न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बोल सकते हो, ठीक है। तो वही उन्होंने बोला, क्या बोला, कि ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एटम को, एटम में इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से क्या करता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है, इस तरीके से एटम का एग्जिस्टेंस बना रहता है। पर अभी आप देखेंगे ये बात गलत हो जाएगी, बस अभी मैं आपको मॉडल बता रहा हूँ। नंबर फोर, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देता होगा, इफेक्ट को कैंसिल कर देता होगा, टोटल न्यूट्रल आता है। अच्छा, ये तो बात हो गई इसकी, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स आ गए, देखिए कैसे इसके ड्रॉबैक आ गए। अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक के बारे में, क्या कमी थी उसकी, ओके, उसे देखिए आप, ड्रॉबैक में हम क्या बात करेंगे। देखिए भैया, क्या ड्रॉबैक था, जो मेजर ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के मॉडल का, वो ये था कि वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे, एटम की स्टेबिलिटी को, हाँ, एटम क्यों स्टेबल है, देखिए आप इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये किससे मिलके बना हुआ है, एटम या मॉलिक्यूल से, ये स्टेबल है, आज वो आप कल है खत्म तो नहीं हो गया ना, कहीं ऐसा तो नहीं अपने आप इसमें आग लग गई ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं, ओके, कल भी मिलता है आज भी, आपको क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैटर ही एग्जिस्ट कर रहा है, मैटर ही एग्जिस्ट कर रहा है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, तो क्यों मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, जब इसका मतलब ये कि जिस एटम से मिलके बना हुआ एटम स्टेबल है, अगर अनस्टेबल होते तो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे, कैसे नहीं बता पाए थे उसको समझिए, उन्होंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, याद है आपको, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये उन्होंने बोला था, साथ में और क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स, ये कैच आप करिए, ये गलत हो गया उनसे, ओके, ये चीज गलत हो गई। स्टेबिलिटी को उन्होंने कैसे बताया था, ये देखिए मैंने लिखा था थर्ड पॉइंट, उन्होंने क्या बताया था स्टेबिलिटी के लिए, बताइए कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिससे कि एटम स्टेबल, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा था। लेकिन उस टाइम मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अपनी दी थी,
और वो मार्केट में बहुत हॉट टॉपिक था, एक्सपेरिमेंट्स तो चलते ही रहते थे हर जगह देश विदेश में। तो मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी, वो आज भी करेक्ट थे, ठीक है, वो थ्योरी गलत नहीं थी, वो मार्केट में बहुत हॉट टॉपिक था उस टाइम, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स की स्टडी जोरों शोरों से की जा रही थी, वेव ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी की जा रही थी, ये जो लाइट आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ओके, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है, इसके बारे में आप थर्ड क्लास में देखेंगे। तो ये उस टाइम बहुत हॉट टॉपिक था, वेव ऑप्टिक्स वगैरह बहुत हॉट टॉपिक था। मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी, तो मैक्सवेल ने जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी उसमें सुनिए उन्होंने क्या बोला था। मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ये बोला था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ध्यान दें प्लीज, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, और यहाँ चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹¹ कूलम। तो उन्होंने बोला अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा हो, एक्सिलेटेड मोशन कर रहा हो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलेटेड मोशन कर रहा हो, अब देखिए एक्सिलेटेड मोशन का मतलब तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, एक्सिलेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सिलेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, प्लीज ध्यान दें, एक्सिलेशन क्या था, मैं रिवाइज करा देता हूं आपको, एक्सिलेशन क्या था, चेंज इन, लेकिन आपको पता है कि वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी है, दो चीजें आती हैं, एक तो इसका क्या मैग्नीट्यूड आता है और दूसरा क्या, हाँ डायरेक्शन। तो सुनिए ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो भाई चलो मैंने मान लिया कि इसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, भाई मान लीजिए ऐसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये 1000 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 1000 किलोमीटर पर आवर से, तो मैग्नीट्यूड तो कॉन्स्टेंट है 1000 किलोमीटर पर आवर कि एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1000 किलोमीटर। लेकिन देखिए हर पल क्या चेंज होती है, इसकी डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन को आप किससे दिखाते थे, टेंजेंट से, याद आया, डायरेक्शन को किससे दिखाते थे, टेंजेंट से। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यहां है, अगर इलेक्ट्रॉन अगले पल यहां पहुंचा है तो यहां टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहां है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच, मोशन वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जब बॉडी ऐसा सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो किसी भी इंस्टेंट पे बॉडी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो आप क्या देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए पे है, इलेक्ट्रॉन पॉइंट बी पे है, इलेक्ट्रॉन पॉइंट सी पे, तो हर टाइम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन चेंज हो गई अगर तो वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन अगर चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी में अगर चेंज हो जाता है तो एक्सीलरेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा था ये कैसा मोशन था, एक्सीलरेटेड मोशन था, और मैक्सवेल ने बोला था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, वो एनर्जी रेडिएट करता है, उसमें से रेडिएशन निकलने लगेंगे, एनर्जी क्या होगी उसकी, खत्म होने लगेगी, ठीक है, ओके। तो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म होने लगेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा था, उसकी एनर्जी और कम हुई, पाथ क्या हो जाएगा उसका, छोटा, और एनर्जी खत्म हुई, पाथ और छोटा, और एनर्जी खत्म हुई, पाथ और छोटा, और एनर्जी खत्म हुई, पाथ और छोटा, और फाइनली जाके वो कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, आपने कभी छोटा वाला सेल लिया है, छोटा वाला सेल जो आता है 1.5 वोल्ट का, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, यहां से एक वायर निकालते हैं आप और यहां से एक वायर निकालिए, उसको दोनों को जब टच करोगे आप तो हल्का सा स्पार्क होता है, देखा है आपने, प्लस माइनस डिस्चार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग, बहरहाल आप ऐसा उसको चिंगारी निकलती, स्पार्क देखा है आपने, वैसी कुछ घटना घटेगी, इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाके पॉजिटिव में गिरेगा एटम कोलैप्स हो जाएगा और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलेगी, एनर्जी। इस तरीके से ये मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, कल तक खत्म हो जाना चाहिए, एक महीने में खत्म हो जाना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, बस इतना ही तो बोला था, और स्टेबिलिटी के लिए क्या बोला था कि न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव वाले चार्ज को अट्रैक्ट करके रखता है, इस तरीके से एटम स्टेबल होता है। लेकिन मैक्सवेल का थ्योरी जो कि प्रूफ किया जा चुका था वो गलत नहीं था, उन्होंने क्या बोला था, अगर कोई एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा हो चार्ज पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा हो तो वो क्या रेडिएट करेगा, एनर्जी, अगर एनर्जी वो रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और फाइनली वो कहां गिर जाएगा,
न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में गिरेगा तो एटम कोलैप्स हो जाएगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा तो मैटर ही नहीं होगा सर, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रदरफोर्ड का ये बताना कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं और उसकी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिम्मेदार है, ये बात गलत थी। ओके, तो इसको नोट कर लेते हैं क्या कमी थी इसकी। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू ये क्या कर रहे हैं हम, हाँ यहाँ मैं आगे हेडिंग लिख दे रहा हूँ छोटा सा, आप समझ लीजिएगा ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। ड्रॉबैक, किसका ड्रॉबैक, इसकी कमी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स गिवन बाय मैक्सवेल, इफ अ चार्ज पार्टिकल, इफ चार्ज पार्टिकल, यहाँ चार्ज पार्टिकल कौन है इसके बारे में बात की जा रही है, बोलिए, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इफ अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोस एक्सीलेटेड मोशन, अंडरगोस एक्सीलेटेड मोशन, then it must radiate, then it must radiate energy, okay, it must radiate energy, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं लूज एनर्जी, ओके, कॉन्टिन्यूसली लगातार वो एनर्जी क्या करता रहेगा लूज। तो इस तरीके से अगर ऐसा हुआ, सुनिए, अगर ऐसा हुआ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी फिनिश्ड, है ना, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिनिश हो जाएगी, इट विल टेक स्पाइरल पाथ, इट विल टेक स्पाइरल पाथ कम closer to the nucleus okay, come closer to the nucleus and finally fall in the, कहां गिर जाएगा फाइनली न्यूक्लियस में, इसका रिजल्ट क्या आएगा, एटम विल कोलैप्स, एटम विल कोलैप्स, देयरफॉर एटम विल नॉट स्टेबल, ओके, ये जो है कमी थी इसकी रदरफोर्ड की, ओके, इसकी इसके बाद आए नील बोर, ओके, नील बोर एक्सप्लेन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ओके, इसके बाद नील बोर आए, उन्होंने, सुनिए भाई ध्यान से, जो नील बोर आए इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया, इसमें बोर्स का मॉडल आपको पढ़ना है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे, बट सुनिए, नील बोर जब आए रदरफोर्ड के बाद तो उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया
कि भाई चलिए हम बता रहे हैं कि किस तरीके से एटम स्टेबल है, किस तरह भाई देखिए एटम नहीं स्टेबल होगा तो मैटर नहीं स्टेबल होगा, तो ये यूनिवर्स ही नहीं स्टेबल होगा, सपोज तो चल रहा है। आपकी स्किन भी ऐसी देखिए बनी हुई है, कोलैप्स तो कर नहीं जाती है ना, इसका मतलब एटम की स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करना जरूरी था, नील बोस ने बताया। सुनिए नंबर वन तो उन्होंने ये बताया कि भाई ठीक है इलेक्ट्रॉन ऐसा सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं कोई बात नहीं, लेकिन वो डेफिनेट एनर्जी लेवल्स में घूमते हैं, वो सर्टेन एनर्जी लेवल्स में घूमते हैं। फिर से ध्यान दें प्लीज, वो सर्टेन एनर्जी लेवल्स में घूमते हैं, मतलब यहाँ ये जो घूम रहे हैं स्पेस में, ये छोटा सा एटम है, वो ये सारी घटना कहाँ घट रही है, स्पेस में, ठीक है। तो वो जो फिर से ध्यान से सुनिए, रदरफोर्ड ने बोला था केवल सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन नील बोर ने बोला कि हाँ भाई सर्कुलर घूम रहे हैं लेकिन डेफिनेट एनर्जी लेवल में घूम रहे हैं। इमेजिन करिए ये एक एनर्जी लेवल है, उसके बाहर एक एनर्जी लेवल है, उसके बाहर एक एनर्जी लेवल है, उसके बाहर एक एनर्जी लेवल है, सभी एनर्जी लेवल्स का एनर्जी क्या रहता है नेचर में, डेफिनेट निश्चित रहता है, कम नहीं होता है ज्यादा नहीं होता है, ये बात उन्होंने बताई और बहुत अच्छी बात बताई, ऐसा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी कम होगी क्या बताइए। हाँ देखिए यहां मैं आपको डायग्राम से देखिए, ये अंदर वाला एक एनर्जी लेवल है, ये उसके बाहर वाला एक एनर्जी लेवल है, ये उसके बाहर वाला एक एनर्जी लेवल है, सभी एनर्जी लेवल्स की एनर्जीज कैसी हैं, डेफिनेट निश्चित है। ये अगर एनर्जी निश्चित है ना तो बढ़ती है ना तो घटती है, तो बताइए यहां घूमने वाला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कभी खत्म होगा, क्यों, क्योंकि उसको नेचर में स्पेस में एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है, कहां से, एनर्जी लेवल्स। फिर यहां जो इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है दूसरे एनर्जी लेवल में, उसका अपना एक एनर्जी लेवल, वो वहां घूमे, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो इस एनर्जी लेवल में घूम रहा है। तो उन्होंने मेन बात क्या बताई, नील बोर ने बताई क्या इंट्रोड्यूस किया, एनर्जी लेवल्स। ओके तो अच्छा, और उन्होंने बात बताई, सुनिए उन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसा डेफिनेट एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व कर रहा है तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, ये उन्होंने बोला था। ये आधा अधूरा है, मैं आपको बता देता हूँ एनर्जी कब कोई इलेक्ट्रॉन, बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में नहीं, सुनिए एनर्जी कब कोई इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा, सुनिए, जब एक एनर्जी लेवल से कहाँ जाएगा दूसरे में, एक एनर्जी लेवल से कहाँ जाएगा दूसरे में, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये जो अंगूठी चमक रही है कैसे चमकती है, नहीं वहां से आया क्या, लाइट इज द कलेक्शन ऑफ फोटोन, क्या है एनर्जी के सबसे छोटे हिस्से को हमने नाम क्या दिया है, फोटोन। तो वहां से जो एनर्जी आ रही है हम सोच रहे हैं कि वो छोटे छोटे फोटॉन्स से मिल के बना पैकेट है एनर्जी का, ऐसे सोच लीजिए, जैसे ही आके वो पैकेट यहाँ पड़ता है फट जाता है, ऐसे समझिए। और फोटोन की एनर्जी किसमें चली जाती है, इलेक्ट्रॉन में थोड़ी देर के लिए, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन, अच्छा इससे पहले एक बात और समझिए, अंदर के जो एनर्जी लेवल होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल होते हैं, कैसे होते हैं, लोअर एनर्जी के, इंपॉर्टेंट है भाई ध्यान रखिएगा, अंदर के जो एनर्जी लेवल होंगे वो लोअर एनर्जी लेवल्स और बाहर के जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो हायर एनर्जी लेवल्स। ओके समझ गई बात, मैं अगर आपको बोल दूं भाई एक अंदर का एनर्जी लेवल की मैं बात कर रहा हूं और एक बाहर का, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, कौन से एनर्जी लेवल की एनर्जी ज्यादा होगी, बाहर वाली, बात समझ में, अच्छा इस बात को ध्यान रखते हो। तो एनर्जी ऐसे आई, इस पे पड़ती है, पैकेट फट जाएगा एनर्जी का, फोटोन की एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन में, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताइए बढ़ जाएगी कि नहीं, क्योंकि फोटोन ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो क्या ये यहां घूमेगा, ये हायर एनर्जी स्टेट में जाना चाहेगा, भाई उसको जो ज्यादा एनर्जी मिल गई तो छोटे एनर्जी वाले रूम में क्यों रहेगा, वो कहां घूमना चाहता है, बाहर एनर्जी वाले रूम में, बाहर एनर्जी वाले लेवल में, तो थोड़ी देर के लिए यहां आता है। अब ध्यान से सुनो, क्यों गया वो बाहर, तो आंसर है बाहर से जो फोटॉन से एनर्जी मिली थी उसके कारण उसकी एनर्जी बढ़ गई, वो हायर एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेगा, तो वो जंप करके यहां से यहां चला जाता है, ऐसे सोचिए। लेकिन वो यहां तो रह नहीं सकता है क्योंकि यहां बाकी इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, उनके रहने की जगह नहीं, रिपल्शन वगैरह होने लगता है, तो न्यूक्लियस बोलता है हाँ भाई कहां जा रहे हो, वापस बुलाता है इसको, ये वापस अपनी पोजीशन में आता है, लेकिन जब ये वापस आता है
तो क्या करता होगा, जितनी एनर्जी इसने ली है उतनी एनर्जी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब लाइट के फॉर्म में क्या कर देता है, रेडिएट। तो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन कब करता है, तो आंसर है जब नीचे वाले एनर्जी लेवल से थोड़ी देर के लिए पल भर के लिए ऊपर जाता है और ऊपर से वापस कहाँ आता है, नीचे। जब ऊपर से वापस नीचे आए, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ऐसा ट्यूबलाइट की एनर्जी जो लाइट वाली आ रही है वो लेगा, और जब नीचे से ऊपर जाएगा जब ऊपर से नीचे आएगा तो उसी लाइट एनर्जी को जिसने उसको लिया था उस एनर्जी को, ये देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता रहा हूं मैं, ऐसा रेडिएट कर देगा, ये रेडिएट होता है और यही आपकी आंखों में जाता है और आपको ये रिंग चमकती हुई नजर आती है, ऐसे आप सोच सकते हैं। समझ में आई बात? तो इसलिए रेडिएशन नहीं, रेडिएशन केवल कब होगा, जब नीचे वाले लेवल से ऊपर जाएगा और वापस ऊपर से नीचे आएगा। बात समझ में आई? तो ये चीज है। अच्छा, तो यही दो बातें थी नील बोर्स ने बोला था, उसको मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, इसको रख कर दूँ। कौन कौन सी बातें बोली थी स्टेबिलिटी को समझाने के लिए? नंबर वन, द इलेक्ट्रॉन कुड रिवॉल्व, द इलेक्ट्रॉन कुड रिवॉल्व, ये किसने बोला था? द इलेक्ट्रॉन कुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली, इन जरा ध्यान दे ओनली लगा हुआ है, इन ओनली, कहीं भी नहीं घूमेंगे, केवल कहां घूमेंगे, सर्टेन एनर्जी लेवल्स इन ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स, सर्टेन मतलब निश्चित, सर्टेन ऑर्बिट्स इनको नाम क्या दिया गया, सर्टेन एनर्जी लेवल्स इन सर्टेन ऑर्बिट्स और सर्टेन एनर्जी लेवल्स, ओके, ईच ऑर्बिट हैव अ डिफरेंट रेडियस, ईच ऑर्बिट has a definite radius। ध्यान से सुनिए भाई, इधर प्लीज ध्यान दें, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इस ऑर्बिट का जो डिस्टेंस होगा ये k, ये अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे k शेल है, ये l शेल है, तो k शेल का जो रेडियस होता है वो k शेल का ही होता है, चाहे आप कॉपर के एटम में देख लीजिए, चाहे आप हाइड्रोजन के एटम में देख लीजिए, ठीक है। तो ये एनर्जी ऑर्बिट्स के रेडियस क्या होते थे, डेफिनेट, जो के शेल का ऑर्बिट हो का रेडियस होगा सारे एटम में के शेल के रेडियस के इक्वल होगा, के बाद एल शेल का रेडियस कहां से कहां तक होगा बताइए, यहां न्यूक्लियस से लेके यहां तक, के शेल एल शेल फिर एम शेल, तो ये जो एनर्जी लेवल्स थे इनका रेडियस भी क्या होता था, निश्चित, कोई डाउट है? और रदरफोर्ड ने क्या बोला था, घूमते रहते हैं, बस कहां घूमते रहते हैं, कहां से मिलती है एनर्जी, तो आंसर है डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं जिनकी रेडियस क्या होती, निश्चित होती। नंबर टू क्या बोला था नील बोर ने, कि इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ ऐसा न्यूक्लियस में डिफरेंट एनर्जी लेवल में घूमता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, बस इतना ही उन्होंने बोला था। और मैंने आपको एक्स्ट्रा क्या बताया, एनर्जी कब रेडिएट करता है, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो लेगा और वापस ऊपर से नीचे आएगा तो रेडिएट करेगा, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, क्योंकि फिर आधी बात रह जाती है, उसका कोई जवाब नहीं मिलता तो फिर समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको आगे का भी बताया, ओके। तो वो दूसरी बात जो इन्होंने बोली थी, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट और पर्टिकुलर ऑर्बिट बोले या क्या बोले, पर्टिकुलर एनर्जी, यस पर्टिकुलर एनर्जी अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट, द इलेक्ट्रॉन does not
रेडिएट एनर्जी डज नॉट रेडिएट एनर्जी मतलब डज नॉट व्हाट लूज है ना डज नॉट लूज एनर्जी डज नॉट लूज एनर्जी इवन Even though it has accelerated motion around the nucleus. It has accelerated motion around the nucleus. Okay. बात समझ में आई ये जो लास्ट लाइन लिखी इसका मतलब बात समझ में आया क्योंकि जब वो घूम रहा है तो अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहे तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वेलोसिटी चेंज हो रहा है एक्सलेट हो रहा है तो उन्होंने बोला चाहे एक्सलेट ही क्यों ना हो रहा हो वो रेडिएट नहीं करता क्योंकि उसका एनर्जी लेवल क्या है डेफिनेट रेडिएट केवल तब करेगा जब नीचे से ऊपर जाएगा बाहर से एनर्जी लेके और वापस ऊपर से नीचे आएगा तब रेडिएशन होगा इसके बाद कल की क्लास में हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ द एटम